आज हम अपने मधुमक्खी के बक्सों को दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं। ये हम है, ये हमारा मध है, जा रहा है रुआ चौरा निशाने के लिए। हम सिर्फ 5 बक्से लेके जा रहे हैं। 5 बक्से जो है हमने वहीं फार्म पे रख दिए हैं और 5 बक्से जो है ये हम पुरवा लेके जा रहे हैं। ये काटो बार बार सुन, ये गाना मजा आता है। हमने भटीला से डरिया में लेकर आ गए हैं सारे मधु को, और यहाँ पे देखिए किस तरह से मतलब किया जा रहा है मधु का सुरक्षा। गलत समझ रहे हैं आप नहीं और हमारे साथ में आए हुए हैं तिलई, मान लीजिए तिलई, दिखाई दिखाई, फोकस करिए कैमरामैन, कैमरामैन इसके पास फोकस कीजिए, देखिए क्या आँख बंद कर ली है। और राज है वो रिकॉर्डिंग में लगे हुए हैं। देखिए व्यंत भाई ठीक, और राज मतलब लगे हुए हैं कैमरा में, और क्या कहा जाए। अरे टाइम हुआ बोल कर बोल चुके दादा, 9 बजे लो आओ, 8:50 हो गए। अरे चलो ना मंदन भाई, 8:50 थोड़ी होता है पगला, अभी 8:22 उतरो ना, 8:50 होता। देखो देखिए की दिखाई दे मरे, देखो हां सही कहा था बारे बारे और देखिए यहाँ का एरिया बीच में मकान है और चारों तरफ पौधा ही पौधा, देख लीजिए आप, देख सकते हैं किस तरह से पूरा हमने आपको दिखा दिया। तिलई बार बार आ जाते हैं कैमरा में, और सब सेवाएं हो रही हैं तिलई के भाभी के लिए। ये देखिए क्या मुस्की मार रहे हैं, ये राज भाई हैं और ये हमेशा साथ में रहते हैं, अच्छे इंसान हैं। देखिए छत्ता है मधु का,
और बॉक्स में डाला जा रहा है। और आप लोग देख सकते हैं मद किस तरह से निकल गई है बाहर। अब निकले यार, ये कुछ छत्ता निकल बच्चों? नहीं अब छत्ता उत्ता नहीं है। हाँ नहीं नहीं तो इस तरह आज हम ये पांच बक्से जो है माइग्रेट कर दिए हैं अपने गांव बसडीला से। हम इसको पुरवा लेके आए हैं।